विद्यार्थी मित्रों प्रणाम। आज आप धोरण 11 विषय तत्वज्ञान चैप्टर नंबर 9 वीडियो नंबर 1 में जीवात्मा स्वरूप समझी। तो 8वां चैप्टर में जगत की उत्पत्ति अभ्यास करो, अँ आप जीवात्मा स्वरूप समझी। तो यानी थोड़ी प्रस्तावना जीश कि मानवी ने थता विविध अनुभवों ने व्यापक और सर्वग्राही दृष्टि समझवा तत्वज्ञान अभ्यास करे। એટલે કે માનવીને થતા અનુભવનો તત્વજ્ઞાન તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે। આ દ્રષ્ટિએ જીવ, જગત અને ઈશ્વર ત્રણેય એ તત્વજ્ઞાનના વિષયો છે। જેમ 8માં ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા કે ઈશ્વરનો બીજો પર્યાય શબ્દ પરમાત્મા છે, એવી રીતે અભ્યાસ દરમિયાન જીવને બદલે જીવાત્મા અને ઈશ્વરને બદલે પરમાત્મા શબ્દનો ઉપયોગ કરીશું। तो जीवात्मा ईश्वर साथेना संबंधी समझूती वक्त ईश्वर ने बदले परमात्मा, जीव एटले जीवात्मा। तो जीव, जगत अने ईश्वर ए त्रणेय ने बे भाग में वेची शकाय छे। जीव अने ईश्वर ए बे चेतन तत्वों आत्माना वर्ग स्थान में पामे छे। जयरे जगत आत्माना वर्ग स्थान में पामे छे, आ बने तत्वों आ रीते प्रज्ञाचक्षु पंडित सुखलालजीना मते भारतीय तत्वज्ञान में अचेतन, चेतन, ईश्वर, जीव आदि अनेक तत्वों की चर्चा थाय छे। पण एक रीते बधी चर्चा मध्यबिंदु चेतन तत्व है, एटले दरेक चर्चा मध्यबिंदु ये चेतन तत्व है। खरी रीते तत्व मात्रनु मूल्यांकन ये जीवनी चेतना ने आभारी है। तत्व माटेनुं मूल्यांकन ए जीवनी चेतना ने आभारी छे। तत्वेंत्रयनी आकृति आपणे जोईशुं। तत्वेंत्रयनी आकृति में छे जीव, जगत, अनात्मतत्व अने आत्मतत्व जे ईश्वर ने अनुरूप जोवा मळे छे। जीव, जगत, अनात्मतत्व ईश्वर ने रूप जोवा मळे छे। तो पंडित सुखलालजी भारतीय तत्वचिंतन में जगत, चेतन एटले के ईश्वर आदि अनेक तत्वों की चर्चा था, पण बधी चर्चा मध्यबिंदु चेतन तत्व है। खरी रीते मात्र तत्व मात्र मूल्यांकन ए जीवनी चेतना ने आभारी है। जीवात्मा स्वरूप, तो भारतीय दार्शनिकों मते शरीर, मन और आत्मा परस्पर थी अलग है। आत्मानु मूळ स्वरूप शुद्ध अने मुक्त छे। ए शरीर मन आत्माथी अलग छे। आत्मा ने शरीर अने मननु बंधन नथी। तो आत्मा ने कोनु बंधन नथी? शरीर अने मन। आत्मा ज्यारे सांसारिक अवस्था प्राप्त करे छे त्यारे शरीर अने मन साथे संकळाय छे। एटले सांसारिक अवस्था में आत्मा शरीर अने मन साथे संकळाय छे। आत्मा शरीर अने मन थी बंधायेलो छे। आम शरीर अने मन थी बंधायेला जीवात्माना स्वरूपनो संपूर्ण ख्याल मेळवा माटे जीवात्मानु सांसारिक स्वरूप समझवू जोईए। एटले के जीवात्माना मूळ स्वरूप बन्नेनो विचार करवो जरूरी छे। जीवात्मानु सांसारिक स्वरूपनी वात करी तो जीवात्मा सांसारिक स्वरूपनो विचार त्रण दृष्टिए करवामां आवे छे। आ त्रण दृष्टिए तो शारीरिक, मानसिक अने नैतिक छे, जेनो आपणे क्रमशः परिचय मेळव्यो छे। એટલે કે ક્રમશ પરિચય આનો મેળવીએ છીએ। જીવાત્માનું શારીરિક સ્વરૂપમાં શારીરિક દ્રષ્ટિએ જોતા જીવાત્માના ત્રણ પ્રકાર પડે છે, સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર અને કારણ શરીર। વિદ્યાર્થી મિત્રો ગૃહ કાર્ય નોંધી લેશો, જીવાત્માના સ્વરૂપનું સાંસારિક સ્વરૂપનું પ્રસ્તાવના અને ઉપરની આકૃતિ લખીને મોઢે કરવાનું રહેશે। પ્રણામ અસ્તુ।